झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी के हौसले बम बम हैं। पहले एजेंसी को कयास था कि सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में विरोध प्रदर्शनों के दौर शुरू हो सकते हैं, पर राज्य की राजनीति में ऐसा कोई भूचाल आया नहीं। झारखंड की जनता ने भी कमोबेश सिर झुकाकर केंद्रीय एजेंसी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। इसी बात से उत्साहित होकर एजेंसी आने वाले दिनों में लालू पुत्र तेजस्वी यादव पर अपना शिकंजा कर सकती है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। वही तेजस्वी करीबियों का कहना है कि बिहार की तुलना झारखंड से करने की भूल केंद्रीय एजेंसियों को नहीं करनी चाहिए। अगर तेजस्वी गिरफ्तार हुए तो बिहार में बवाल मच जाएगा। वैसे भी अब तक सबकी निगाहें 12 फरवरी पर टिकी थी, जब बिहार में नवगठित जदयू एनडीए गठबंधन को सदन में अपना बहुमत साबित करना था और तेजस्वी यादव ने पहले से ऐलान कर रखा था कि 12 फरवरी को खेला होगा। देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।